छतरपुर के नौगांव में डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी से निकले महाराजपुर विधायक। डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर बेतहाशा टैक्स लगने के कारण इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आ गया है और देश भर की ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस दल के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। विधायक नीरज दीक्षित ने नौगांव के मुख्य मार्गों पर बैलगाड़ी से रैली निकालते हुए ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि का विरोध किया और फिर तहसील कार्यालय पहुंचकर नौगांव SDM विनय द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जब से प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है तब से लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। डीजल के दामों में हो रहे वृद्धि से किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो एक अलग तरीके का प्रदर्शन किया गया महाराजपुर विधायक के द्वारा, बैलगाड़ी से निकले और उनके समर्थक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदर्शन किया गया और इसके बाद नौगांव SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? आज जो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह छल और कपट और धोखा दे के विधायकों की खरीद फरोख करके जिस तरह भाजपा ने अपनी सरकार बनाई उसके खिलाफ आज 100 दिन पूर्ण होने पर भी कोई काम नहीं हुए। 100 दिन के बाद कल इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिससे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के विकास कार्यों में रोक लगी रही। साथ में आपने देखा आज बुवाई का टाइम चल रहा है, किसान हमारा परेशान है, इसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल के दाम जो दुगने किए जा रहे हैं, प्रतिदिन इनके दाम बढ़ते हैं जिससे कि हमारे किसानों को बड़ी समस्या हो रही है। वैसे ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और भी महंगाई बढ़ रही है। आज हमने किसानों ने जिस तरह पहले जब ट्रैक्टर और वाहन नहीं होते थे तो बैलों द्वारा जुताई की जाती थी, बुवाई की जाती थी, उसी को दोहराया है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण हम अपने वाहनों को खड़ा करें, बैलगाड़ी से सवारी करें जिससे कि जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम इस मुद्दे को आगे तक बढ़ाएंगे और बैलगाड़ी के द्वारा ही आंदोलन करेंगे।